धनबाद में प्रस्तावित आरओबी को लेकर रेल प्रशासन ने वासेपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के निकट कई दशकों से अतिक्रमण कर घर बनाकर रह रहे दर्जनों लोगों को एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमित जमीन खाली करने का नोटिस दिया है, जिसे लेकर स्थानीय अतिक्रमणकारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। शनिवार की शाम स्थानीय लोगों की एक बैठक वासेपुर में आयोजित हुई, जहां रेल प्रबंधन की तरफ से दिए गए नोटिस के खिलाफ आंदोलन का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता शमशेर आलम और मासस नेता रुस्तम अंसारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी भी स्थिति में यहां रह रहे लोगों को जब तक रेलवे की तरफ से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जाती है, इस जगह को अतिक्रमण मुक्त नहीं करने दिया जाएगा और इसके लिए जो भी आंदोलन या लड़ाई की जरूरत होगी सभी लोग मिलकर लड़ने को तैयार है। आप लोगों को हक दिलाने के 60 से 70 सालों से लोग लाइन के बगल में दोनों साइड में घर पहले फुट और बीच की मांग थी। जितना जमीन आपको लगता है कि मरे उतना में आपका काम चल जाए उतना ही अधिग्रहण कीजिए, उतना ही कीजिए। तो डीआरएम साहब ने साफ शब्द में बोला कि ठीक है, डीसी साहब से जाके मिलिए। फिर हम लोग डीसी साहब के पास दूसरे दिन डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बात बोल कर करके कि ठीक है, दो यहाँ पे सूत और बीज हम लोग देंगे और एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ भेजेंगे हम लोग सर्वे करने के लिए। लेकिन कल जो हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ पे सब लोगों को नोटिस दे दिया गया है और जिसका समय सिर्फ 7 दिन दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों के हित में नहीं है। देखिए, आज मेयर के चुनाव प्रचार में नहीं हम लोग आए हैं, एक्चुअली हम लोग की जिला कमेटी है भारतीय मानव कल्याण समिति, यहाँ के लोग आग्रह किए थे तो आज हम लोग पूरा टीम यहाँ पर आए और अपने हिसाब से सर्वे किए। यहाँ स्थिति ये है कि ये लोग 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और सारा परिवार है, झोपड़पट्टी टाइप में घर है और ये लोग गरीब हैं, इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ कहीं जाएंगे। इनके पास एक ही रास्ता, करो या मरो, या तो इनको आप निकाल दीजिएगा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, ये ठंडा में सुकुड़ के मर जाएंगे। तो जो सरकार है, तो रेल की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या हमारे माननीय डीसी महोदय हो, वो बने हैं जनता के लिए। और जनता ही की जब सुविधा हम नहीं दे पाएंगे तो रेल चला के क्या फायदा, रेल में चढ़े या कौन, जनता ने चढ़ेगा। तो फिर सबसे पहले बात हमारे हिसाब से, और मैं डीआरएम से भी आग्रह करना चाहता हूं और डीसी साहब से भी कि श्रीमान ये तोड़ने वाले तुगलक की फरमान आप वापस लें। जब तक इन लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करते हैं तो किसी कीमत पर आप मत बनाइए, क्योंकि जनता की मांग है। और आप जबरदस्ती करिएगा तो जनता को रेल के नीचे काट दीजिए उसके बाद।